एनआरसी और सीएए के कायदे के विरोध में देश के विविध शहरों में जन आक्रोश जागा है और लोगों द्वारा विरोध दर्शाया जा रहा है। आज रोज भारत बंद के ऐलान के चलते एनआरसी और सीएए के काले कायदे के विरोध की असर सूरत में रिकॉर्ड ब्रेक नजर आ रही है। एनआरसी और सीएए के विरोध में सूरत के भागा तलाव, चौक बाजार, भागल विस्तारों में दुकानें बंद रखकर जड़बे सलाख समर्थन लोगों द्वारा दिया गया और सूरत शहर के ज्यादातर इलाकों में दुकानें और मार्केट बंद रखकर लोगों द्वारा सीएए और एनआरसी के काले कायदे के खिलाफ रिकॉर्ड ब्रेक समर्थन दिया जा रहा है और सरकार से इस काले कायदे को वापस लेने की मांग की जा रही है। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद साजिद कागजी है। आज भारत बंद का ऐलान है सीए और एनआरसी के रीज़न के लिए, और जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी रखी है बहुत ही गलत है, और अमित शाह और मोदी बहुत झूठे इंसान हैं। इन लोग इंडिया की हालत ख़राब कर रहे हैं, झूठ बोल बोल कर बोल रहे हैं कि हम अच्छा करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन क्या, हिंदुस्तान बिक रहा है और बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। टोटली बाजार बंद है। रिपोर्ट बाय परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज़, सूरत।